केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। कैबिनेट ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में किया वृद्धि। माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने आज केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत को 1/7/2021 से बढ़ाकर 28% करने की मंजूरी दे दी, जो 17% की मौजूदा दर में 11% की वृद्धि है। कोविड महामारी से उत्पन्न हुई अप्रत्याशित स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत की 3 अतिरिक्त किस्तों जो 1/1/2020, 1/7/2020 और 1/1/2021 से दी थी पर रोक लगा दी गई थी। अब सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत को 1/7/2021 से बढ़ाकर 28% करने का निर्णय लिया है, जो मूल वेतन पेंशन के 17% की मौजूदा दर में 11% की वृद्धि को दर्शाता है। यह वृद्धि 1/1/2020, 1/7/2020 और 1/1/2021 को दे अतिरिक्त किस्तों को दर्शाती है। 1/1/2020 से लेकर 30/6/2021 तक की अवधि के लिए महंगाई भत्ता महंगाई राहत की दर 17% पर ही यथावत रहेगी, अर्थात कोई एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा।